गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। और मेरे ख्याल से IBPS PO शायद 23 और 30 तारीख की लास्ट डेट थी। आज एग्ज़ाम है या नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं, बट शायद कल दो दिन ही निकलता IBPS PO था। मेरा पेपर भी कल था, सेकेंड शिफ्ट में था, 10:30 बजे वाली शिफ्ट में सेंटर में था, मुंबई पवई था। बहुत लोगों को भी लगता है कि भाई हम जितना अटेम्प्ट करके आए हैं क्या चांसेस है कि भैया हम मेंस के लिए पढ़े या ना पढ़े। और उसके अलावा कैसा है ना, बहुत लोगों को भी कट ऑफ का बहुत होता है कि क्योंकि ये तो ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही कट ऑफ, इसमें ये तो होता नहीं कि स्टेट का अलग होगा। तो वीडियो पूरा देखना, यदि आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम नितिन सिंह 14294 फॉलो कर सकते हो या टेलीग्राम पर ग्रुप नितिन का निरीक्षण ज्वाइन कर सकते हो। मैं कल एग्ज़ाम देख रहा हूं और मेरी लाइफ का ये ऐसा बोलूँगा, मैथ्स में मेरे 18 बने, रीजनिंग में 20, सॉरी इंग्लिश में 20 बने, और रीजनिंग में मतलब 7 क्वेश्चन ही मेरे से अटेम्प्ट होता। मेरी सेकेंड शिफ्ट थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैथ्स तो लाइक एक मॉडरेट लेंदी था, बट रीजनिंग की पजल इतनी ट्रिकी थी कि मतलब उसमें अटक गए तो अटक गए। मेरे साथ ऑलमोस्ट लाइक देखो 4 साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए और मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे साथ ना जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रीजनिंग में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं। और कल मतलब उसके बाद जो एक जब आप पहला पजल छोड़ते हो आपका टाइम वेस्ट होता है तो आपका एक पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है। सेम कल मेरे साथ हुआ, मैथ्स का सेक्शन तक तो मैं एकदम ठीक था बट रीजनिंग ने मुझे घुसाया। अभी कल लोग बहुत लोग बोले कि मैथ्स टफ था, मेरे को लगा फील हुआ मैथ्स तो टफ था ही था बट रीजनिंग जैसे हम देखते हैं ईजी आता है थोड़ा तो मतलब सॉल्वर होता है, रीजनिंग वो नहीं था। मतलब मेरे को सेकेंड शिफ्ट में फील नहीं हुआ। मेरे संग एक और दोस्त था जिसने मेरा ही जो ऑफिस में काम करता हूँ उसका भी सेम शिफ्ट था, उसके मैथ्स में 20 हुए और उसके रीजनिंग में 21 हुए। वो भी बोले भाई रीजनिंग की पजल काफ़ी ट्रिकी थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए क्या, उन्हें मेंस का मॉक लगाना चाहिए क्या। मैं ये बोलूँगा भाई मेरे ऑल दो अटेम्प्ट कम है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूँ कट ऑफ और कम होगा। जितना मुझे फील होता है यदि कोई 50 या उससे ऊपर अटेम्प्ट करके आ रहा है अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दे। मेरे 45 अटेम्प्ट पे मुझे पता है भाई मेरा सिलेक्शन 0.001% चांस है अगर सिलेक्शन होता है तो मैं एक चीज़ करूँगा वो करूँगा मैं करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अब मैं करंट अफेयर्स के लिए हमेशा बोलता हूँ कि अफेयर्स क्लाउड को रेफर करो बिकॉज लाइक वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। आपका RRB में फ़ायदा नहीं होगा तो आपको क्लरिकल में फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो IBPS PO फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज IBPS PO का हमेशा लास्ट 2 से 3 महीने से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये उनका ट्रेंड है IBPS PO का। तो जो से 5 नवंबर का एग्ज़ाम है तो आप सितंबर और अक्टूबर अच्छे से करें, कहाँ से करना बता दिया हो, कैसे पढ़ते हैं उसका भी ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, आप वो देख सकते हो। अब कट ऑफ कितना जाएगा भाई, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है तो मुझे फीलिंग आती है 49 ± 1 से लेके 54 ± 1, मतलब ओवरऑल रेंज बोलूँ तो 48 से लेके 57 के बीच में कट ऑफ रहेगा IBPS PO का। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे बहुत कम चांस। अभी बता चुका हूँ कि भाई करंट अफेयर्स कैसे करना, मैं बोल रहा हूँ भाई करंट अफेयर्स आपका गेम चेंजिंग सेक्शन होगा IBPS PO बिकॉज IBPS आप 2022 का उठा के देख लो, 2021 का देख लो, 2020 का देख लो, हमेशा लास्ट 2 महीने से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी कहाँ से पढ़ना बता दियो, अफेयर्स क्लाउड में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर पढ़ना और उससे पढ़ना अच्छे से। बाकी जिनका पेपर ख़राब गया मेरे हिसाब मैं बोलूँगा SBI PO फोकस करो, मैंने भी SBI PO भरा है। बाकी मेरा भी 8 तारीख को JIB का एग्ज़ाम है, प्रमोशनल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और लगे कि नहीं भैया जेन्युइन चीज़ें बताई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राम राम।